हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं आरटीजीएस के बारे में, जो कि होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर देखते हैं आरटीजीएस क्या होता है। सो मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम बेसिस यूजिंग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और आरटीजीएस मेथड। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक मेथड है जिसके जरिए आप अपने पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक में पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं बहुत ही जल्दी से। इसमें ज्यादा समय जो है नहीं लगता है। देर इज नो मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट बट मिनिमम इन ₹2 लाख। तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आप कितने पैसे भेज सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जितने भी चाहे उतने पैसे भेज सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको ₹2 लाख भेजने होंगे। ठीक है, आप जब भी आरटीजीएस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिनिमम ₹2 लाख चाहिए। मैक्सिमम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। द ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस थ्रू आरटीजीएस बिजनेस आवर्स। अब आरटीजीएस का जो है बिजनेस आवर होता है, सपोज 5 घंटे 6 घंटे जो आपको टाइम मिलता है उसी के भीतर आपको अप्लाई करना होता है। इसको इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि होता है ना बिजनेस आवर, सुबह 10 से शाम 4, तो इसके बीच में ही आपको अप्लाई करना होगा। आपको पैसे भेजने होंगे, अदरवाइज आप नहीं भेज पाएंगे। सो यूजुअली द अमाउंट इज रिमिटेड विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के भीतर ये पैसे जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। टू बी एबल टू ट्रांसफर मनी थ्रू आरटीजीएस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेंडर एंड द रिसीवर बैंक ब्रांच टू बी आरटीजीएस एनेबल। तो जब आप आरटीजीएस के थ्रू पैसे को भेज रहे हो, सपोज मैं एसबीआई से पैसे को पंजाब नेशनल बैंक में भेज रहा हूँ, तो दोनों बैंक आरटीजीएस एनेबल्ड होनी चाहिए। मतलब दोनों बैंक में आरटीजीएस का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जब मैं यहाँ के आरटीजीएस से भेजूँ तो वहाँ के आरटीजीएस में पैसे पहुंच जाए। वो बात यहाँ पे बोली जा रही है कि पैसे रिसीव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ द बैंक्स हैव टू बी एनेबल्ड बाय आरटीजीएस। ठीक है ना, जो भी बैंकर सेंड, जो बैंक सेंड कर रहा है, जो पैसा बैंक रिसीव कर रहा है, दोनों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए। इट कॉस्ट अ लिटिल मोर देन एनईएफटी। एनईएफटी से इसमें पैसे जो है थोड़े से ज्यादा लगते हैं एज ए चार्जेस। एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पे जो है मिनिमम मैक्सिमम का एक लिमिट होता है। मैं आपको जब एनईएफटी करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एनईएफटी में आप कम अमाउंट को भेज सकते हो। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपको पढ़ के मैंने आपको बता दिया था कि मिनिमम ₹2 लाख भेजने होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा है मेरे ख्याल से, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एनईएफटी में इससे कम लिमिट का पैसे आप भेज सकते हो। बट स्टिल इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन ₹30 फॉर ट्रांजेक्शन अप टू ₹5 लाख। तो ₹5 लाख तक के पैसे भेजने के लिए आपको सिर्फ ₹30 ही पेमेंट करने पड़ेंगे एज ए क्या बोलूं, बैंक चार्जेस। इससे ज्यादा आपको जो है पैसे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। द फी वेरियस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर आर वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर कंडक्टिंग आरटीजीएस आर। जो फीस होता है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। एक बैंक में अगर ₹30 लग रहा है तो हो सकता है किसी बैंक में ₹25 लगे, ₹10 लगे, डिपेंड करता है, बट ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता पड़ती है जब आप आरटीजीएस के थ्रू पैसों को भेजते हो। सबसे पहला जो आप अमाउंट आपको भेजना है वो आपको मेंशन करना होता है, अकाउंट नंबर ऑफ द रिमिटर और सेंडर, जो पैसे भेज रहा है उसके अकाउंट नंबर को वहां मेंशन करना होगा फॉर्म में। नेम ऑफ द रिसिपेंट और बेनिफिशियरी, जिसको आप पैसे भेज रहे हो उसका नाम आपको वहां पे मेंशन करना होगा फॉर्म में। अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, जिसको आप पैसे भेज रहे हो उसके अकाउंट नंबर को आपको मेंशन करना होगा। बेनिफिशियरी बैंक एंड ब्रांच नेम, जो बेनिफिशियरी है उसका अकाउंट किस बैंक में है और किस ब्रांच में है उसको आपको मेंशन करना होगा। आईएफएससी कोड जो होता है, ठीक है ना, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। जो पैसा रिसीव करेगा उसका आईएफएससी कोड उस ब्रांच का आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेंडर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन इफ एनी, सेंडर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए अगर आपको देने की आवश्यकता है तो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिक्वायर एट द टाइम ऑफ व्हेनेवर यू विल लाइक डू योर आरटीजीएस। आप जब भी प्रोसेस करोगे आरटीजीएस को तो उस टाइम पे ये सारी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ये आरटीजीएस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के बारे में, कि पेमेंट सिस्टम के बारे में बताइए जो कि आरटीजीएस है, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।